हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल सब्जेक्ट का प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि कैसे मेडिकेशन एडमिनिस्टर की जाती है। प्रिंसिपल्स इंक्लूड 3 चेक्स एंड 10 राइट। तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके उन प्रिंसिपल्स में 3 चेक्स और 10 राइट्स को इंक्लूड किया गया है। तो 3 चेक्स क्या 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 होते हैं, जैसे कि फर्स्ट होते हैं इसमें कि चेक व्हेन ऑब्टेनिंग द कंटेनर ऑफ मेडिसिन। मतलब इसमें क्या होता है कि जो जो हम मेडिसिन का जो कंटेनर हम लेंगे उसको प्रॉपरली चेक करना, ठीक है। मेडिकेशन कंटेनर मींस मतलब कुछ कोई कंटेनर जिसके अंदर मेडिकेशन हो, ठीक है, चाहे तो टेबलेट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में मेडिकेशन हो। तो अगर वो कोई क्रीम हो, जेल हो, कुछ अप्लाई करने का लोशन हो, कुछ भी हो, कुछ भी मेडिसिन हो, तो वो जब हम लेंगे तो उसको हम चेक करेंगे। तो उसको हम क्या क्या चेक करेंगे कि जो डॉक्टर ने हमको प्रिस्क्राइब की है जो मेडिसिन, तो वही है, उसका नेम चेक करेंगे, ठीक है, क्वांटिटी चेक करेंगे, एक्सपायरी चेक करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम उस पर चेक करेंगे, ठीक है। और सेकेंड होता है चेक व्हेन रिमूविंग द मेडिसिन फ्रॉम कंटेनर। तो जो कंटेनर के अंदर से जब हम मेडिसिन को रिमूव करेंगे तो उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम वैसे ही चेक करेंगे कि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन, वही मेडिसिन उसके अंदर है। मतलब अगर कैप्सूल फॉर्म में प्रिस्क्राइब करी है तो कैप्सूल फॉर्म में है कि नहीं है, टेबलेट फॉर्म में है, किस फॉर्म में मेडिकेशन, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है क्वांटिटी हमको एडमिनिस्टर करने के लिए मेडिसिन को, उसी क्वांटिटी में हमको मेडिसिन लेनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। उसके बाद में जब हम कंटेनर को वापस रिप्लेस करते हैं, वापस रखते हैं, तब उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 3 चेक्स। उसके बाद में 10 राइट्स राइट्स पढ़ते हैं, राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो इरर होते हैं, जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो इरर हो जाते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिनके अंदर राइट्स हैं, ठीक है। तो ये राइट्स पहले 5 राइट्स थे, लेकिन अभी 10 राइट्स कर दिया गया इनको। तो हम 10 राइट्स पढ़ेंगे मेडिकेशन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के। तो सबसे पहला है राइट पेशेंट। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज विद कैन बी डन बाय आस्किंग द क्लाइंट टू मेंशन हिज और हर फुल नेम विच शुड बी कंपेयर विद दैट ऑन द आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट और द पेशेंट ऑर्डर एंड मेडिकेशन ट्रीटमेंट चार्ट फॉर कंफर्मेशन। तो राइट पेशेंट को हम कैसे कंफर्म करते हैं, राइट पेशेंट कैसे होना चाहिए कि हम जब मेडिसिन देने जाते हैं पेशेंट को, तो उस पेशेंट से हम उसका पूरा नाम पूछते हैं, ठीक है। पूरा नाम पूछने के बाद में जो उसके हाथ पे जो उसका आईडी बैंड लगा होगा उस पे हम उसका पूरा नाम चेक करते हैं, ठीक है। और कुछ हॉस्पिटल्स में तो जो UHID नंबर देते हैं वो नंबर भी हम चेक करते हैं। और जो मेडिकेशन का जो ट्रीटमेंट का जो चार्ट है पेशेंट का, उस चार्ट पे पेशेंट का पूरा नाम कंफर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ही हम मेडिसिन को देते हैं। कई बार क्या होता है कि एक पेशेंट के, एक नाम के 2 पेशेंट हो सकते हैं, तो मेडिसिन एक के बजाय दूसरे को दी जा सकती है गलती से। तो इस एरर को रोकने के लिए हम इस राइट्स का यूज करते हैं। उसके बाद में सेकंड है राइट मेडिकेशन। राइट मेडिकेशन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एनी मेडिसिन कंपेयर नेम ऑफ मेडिकेशन चार्ट मेडिकेशन ऑर्डर विद दैट ऑन द मेडिकेशन एटलीस्ट 3 टाइम चेकिंग मेडिकेशन लेबल विद रिमूविंग इट फ्रॉम स्टोरेज यूनिट। कंपेयर मेडिकेशन लेबल विद दैट ट्रीटमेंट चार्ट एंड मेडिकेशन लेबल एंड नेम ऑन ट्रीटमेंट चार्ट विद पेशेंट नेम टैग, ठीक है। तो राइट मेडिकेशन का क्या मतलब है कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है मेडिकेशन, वही मेडिसिन हमको देनी है, ठीक है। तो जब हम मेडिसिन उसको एडमिनिस्टर करते हैं, उससे पहले हम मेडिकेशन को चेक करते हैं, उसके बाद जो उसके जो लेबल लगा होता है मेडिकेशन का, उसको चेक करते हैं। और जब हम उसको स्टोरेज यूनिट से जब हम निकालते हैं, ठीक है, जहाँ भी मेडिसिन रखी हुई है, बहुत सारी मेडिसिन रखी होती है एक जगह, तो वहाँ से जब हम मेडिसिन, एक मेडिसिन जो हमको देनी है उसको हम निकालते हैं, तो उस टाइम हम चेक करते हैं, ठीक है।
और मेडिकेशन जो ट्रीटमेंट चार्ट है उसके ऊपर हम चेक करते हैं कौन सी मेडिसिन लिखी है डॉक्टर ने, और मेडिकेशन के लेबल को देखते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट का नेम देखते हैं, ठीक है। और तो ये सब हम देखने के बाद ये सब हम 3 times चेक करते हैं मेडिसिन को देने से पहले, ठीक है, 3 times चेकिंग होती है, ठीक है, उसके बाद ही हम मेडिसिन देते हैं। उसके बाद में राइट टाइम, तो राइट टाइम में क्या मतलब होता है, राइट टाइम इज वेरी स्पेशल स्पेशली विद सम ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक एंटीमलेरिया ड्रग्स एक्सेट्रा। मतलब राइट टाइमिंग जो होता है मेडिकेशन देने का राइट टाइम वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत स्पेशल होता है, ठीक है। और कुछ ड्रग्स के लिए तो बहुत ही स्पेशल होता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स के लिए, एंटीमलेरिया ड्रग्स के लिए, तो इन ड्रग्स के लिए टाइम टू टाइम ही मेडिसिन दी जाती है, किस लिए, टू अचीव क्योर एंड प्रिवेंट रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। सम ड्रग्स मस्ट बी गिवन ऑन एम्प्टी स्टमक, ठीक है, कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो एम्प्टी स्टमक भी दी जाती हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस ड्रग होती है, और सम आफ्टर मील्स कुछ खाना खाने के बाद दी जाती है, जैसे NSAIDs दी जाती हैं, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं वो खाना खाने के बाद में देते हैं, ठीक है। द इंटरवेल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स शुड ऑल्सो बी अडेड टू, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मैनी ड्रग्स दैट द ब्लड कंसनट्रेशन इज नॉट अलाउ फॉर फॉल बिलो ए गिवन लेवल एंड फॉर अदर टू सजेस्टिव डोजेस क्लोजर देन प्रिस्क्राइब माइट इंक्रीज ब्लड कंसनट्रेशन टू द डेंजरस लेवल दैट कैन बी हार्म द पेशेंट, ठीक है। तो जो ड्रग है उसके दो हमको दो डोज देनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक डोज पहले देनी, एक डोज बाद में देनी, लेकिन उन डोज के बीच में जो उनका टाइम गेप है वो टाइम गेप हमको उतना ही मेंटेन रखना है जितना कि प्रिस्क्राइब किया गया है। उससे उस टाइम से अगर ज़्यादा टाइम के इंटरवल में हम मेडिसिन देते हैं तो उस पहले जो मेडिसिन दी है उसका जो ब्लड कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो उसका इफेक्ट नहीं आ पाएगा। और अगर उसके बजाय अगर हम जो सेकेंड डोज है अगर वो हम जल्दी दे देते हैं, दोनों डोज एक साथ दे देते हैं या फिर बहुत कम ड्यूरेशन में दे देते हैं, तो जो उस ड्रग का जो ब्लड में कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, जो पेशेंट के लिए डेंजर भी हो सकता है और पेशेंट को हार्म कर सकता है। इसलिए राइट टाइम पे, जब जिस टाइम पे जो ड्रग प्रिस्क्राइब करी गई है उसी टाइम पे देना है राइट डोज। दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन मेडिकेशन एट हैंड आर इन ए लार्जर वॉल्यूम और स्ट्रेंथ देन द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर गिवन, और व्हेन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन द ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट सप्लाइज फ्रॉम द फार्मेसी। केयरफुली एंड करेक्ट कैलकुलेशन इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट ओवर दैट अंडर डोजेज ऑफ मेडिकेशन। तो राइट डोजेस का क्या मतलब है कि राइट डोज, मतलब इसमें भी वही है कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है मेडिकेशन, जो डोज प्रिस्क्राइब करी होती है उसी डोज में हमको उसको जो मेडिसिन है वो दी जाती है, ठीक है। और जो उसका जो कैलकुलेशन है, और मतलब जो हम राइट डोज के जो प्रिस्क्राइब करी है उसी डोज की हम फार्मेसी से उसी डोज की मेडिसिन मंगवाते हैं और वही हम देते हैं, ठीक है। और जो उस ड्रग में कैलकुलेशन करना होता है जो, तो क्या करते हैं उसके लिए केयरफुली और करेक्ट कैलकुलेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर कैलकुलेशन गलत हो जाए तो जो ड्रग का डोज है वो गड़बड़ा सकता है, ठीक है, तो ज़्यादा भी दी जा सकती है डोज और कम भी दी जा सकती है, इसलिए करेक्ट कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो डोज है उसका जो ओवर डोज है या फिर कम डोज है उसको प्रिवेंट किया जा सके। उसके बाद होते हैं राइट रूट, एन एक्सेप्टेबल मेडिकेशन ऑर्डर मस्ट स्पेसिफाई द रूट ऑफ मेडिकेशन, इफ दिस इज अनक्लियर द प्रिस्क्राइबर शुड बी कॉन्टेक्टेड टू क्लेरिफाई और स्पेसिफाई इट, द नर्स शुड नेवर डिसाइड ऑन ए रूट विदाउट कंसल्टिंग द प्रिस्क्राइबर। मतलब जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब जो रूट किया है कि जिस मेडिसिन के लिए जो रूट प्रिस्क्राइब किया है उसी रूट से हमको मेडिसिन देनी है। 6 है राइट टू इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग क्लाइंट एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है, क्लाइंट पेशेंट होता है, उसको उस ड्रग के बारे में जानने का पूरा राइट होता है, ठीक है। जो ड्रग मतलब
कि कौन सी ड्रग वो लेने वाला है, ठीक है, उसके क्या डिज़ायर हैं, क्या उसके एडवर्स इफेक्ट है, तो इन सब के बारे में उसको जानने का हक होता है, ठीक है। तो ये एक पेशेंट का राइट है। 7 है राइट टू रिफ्यूज़ मेडिकेशन। ठीक, राइट टू रिफ्यूज़ मेडिकेशन का क्या मतलब है कि पेशेंट को ये राइट है कि वो मेडिसिन को रिफ्यूज़ भी कर सकता है लेने से, ठीक है, वो मना कर सकता है लेने से, ठीक है। और उसके बाद में नर्स का इसमें क्या रोल होता है कि वो पेशेंट को समझाएं कि ड्रग उसके लिए क्यों प्रिस्क्राइब की गई है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, ठीक है। और बार बार उसके रिफ्यूज़ करने से, अगर मतलब वो बार बार अगर रिफ्यूज़ कर रहा है मेडिकेशन, तो नर्स उसको एक्सप्लेन करे कि उसको क्यों मेडिसिन दी जा रही है। लेकिन उसका ये राइट है पेशेंट का कि वो पेशेंट को मेडिसिन को रिफ्यूज़ कर सकता है। उसके बाद में 8 राइट असेसमेंट। सम मेडिकेशन रिक्वायर स्पेसिफिक असेसमेंट बिफोर देयर एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल चेकिंग ऑफ वाइटल साइन। मतलब क्या होता है राइट असेसमेंट का, क्या मतलब होता है कि कुछ मेडिसिन जो होती हैं उनको देने से पहले कुछ स्पेसिफिक असेसमेंट ज़रूरी होता है। जैसे कि कुछ मेडिसिन देने से पहले वाइटल साइन चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि डिजोक्सिन अगर देते हैं तो उससे पहले पल्स को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि स्पेशल अटेंशन होता है किसी भी ड्रग को देने से पहले कि स्पेशल असेसमेंट टू बी डन प्रायर टू मेडिकेशन, ठीक है। तो ये स्पेशल असेसमेंट होता है मेडिसिन देने से पहले, तो राइट असेसमेंट भी हमको करना होता है। उसके बाद में 9 है राइट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन शुड बी डन आफ्टर मेडिकेशन एंड नॉट बिफोर, ठीक है। राइट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है कि जो हमने ड्रग उसको दे दी है उसके बाद में उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, ठीक है, कि हमने वो मेडिसिन दी है, कौन सी मेडिसिन दी है, कौन से रूट से दी है, वो सब हमको डॉक्यूमेंट करना होता है। उसके बाद में 10 है राइट इवैल्यूएशन। राइट इवैल्यूएशन में क्या होता है, कंडक्ट असेसमेंट ऑफ ए सर्टेन ड्रग एक्शन बोथ डिजायर और साइड इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट। राइट इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है कि ड्रग देने के बाद में ड्रग का क्या एक्शन आ रहा है, ठीक है, वो हमको देखना होता है पेशेंट में, मतलब सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है ड्रग, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, तो वो सब हमको इवैल्यूएशन करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिकेशन ऑर्डर। मेडिकेशन ऑर्डर कैसे देखते हैं, द ड्रग ऑर्डर रिटन बाय फिजिशियन शुड हैज 7 इसेंशियल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स सेफली। मतलब क्या है इसका कि जो ड्रग ऑर्डर की गई है, जो डॉक्टर द्वारा लिखी गई है जो ड्रग, उसके लिए 7 इसेंशियल पार्ट होते हैं जो जिससे कि ड्रग को सेफली एडमिनिस्टर किया जा सके। तो सबसे पहले होता है पेशेंट का फुल नेम। पेशेंट का फुल नेम पता होना चाहिए, ठीक है, डेट और टाइम पता होना चाहिए, इस टाइम किस डेट और टाइम पे हम मेडिकेशन ऑर्डर की जा रही है, ड्रग का नेम, ठीक है, डोज और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन, ठीक है। तो ये इसेंशियल पार्ट हैं 7, तो इनके द्वारा मेडिकेशन ऑर्डर किया जाता है, इनको ध्यान में रखते हुए मेडिकेशन ऑर्डर किया जाता है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर, तो 4 टाइप्स के होते हैं मेडिकेशन ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेट ऑर्डर। स्टेट ऑर्डर में क्या होता है कि स्टेट ऑर्डर इंडिकेट दैट द मेडिकेशन इज़ टू बी गिवन इमीडिएटली एंड ओनली वंस। स्टेट का क्या मतलब होता है कि ऐसी मेडिसिन जो कि तुरंत देनी है, इमीडिएटली देनी है और सिर्फ एक बार ही देनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मॉर्फिन सल्फेट 10 मिलीग्राम आईवी स्टेट, ठीक है। तो इसमें इसका क्या मतलब है, मॉर्फिन सल्फेट 10 मिलीग्राम देना है, आईवी देना है और स्टेट स्टेट मतलब इमीडिएटली देना है, ठीक है, और उसके बाद में नहीं देना है, सिर्फ एक बार देना है। उसके बाद में सेकंड सिंगल ऑर्डर। सिंगल ऑर्डर का क्या मतलब है, सिंगल ऑर्डर और वन टाइम ऑर्डर, तो ये सिर्फ एक वन टाइम ऑर्डर होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक कुछ किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे सिर्फ एक बार ही मेडिसिन को देना, जैसे एग्जांपल सेकोनाल 100 मिलीग्राम एट बेड टाइम, ठीक है, तो एट बेड टाइम ही इसको देते हैं, ठीक है, तो ये सिंगल ऑर्डर हो गया। उसके बाद में थर्ड है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि ये एडवांस में ही
ऑर्डर दिया जाता है मेडिकेशन का एडवांस में ही रिटर्न होती है, ठीक है। इसमें जैसे कि एग्जांपल अमोक्स ट्वाइस डेली इनटू टू डे, तो टू डेज के लिए दिन में दो बार अमोक्स देनी है, ठीक है। ट्वाइस डेली मतलब दिन में दो बार और दो दिन के लिए देनी है, तो ये हो गया स्टैंडिंग ऑर्डर। तो ये दो दिन के लिए एडवांस में ही लिख दी गई है, ठीक है। फोर्थ है पीआरएन ऑर्डर। पीआरएन ऑर्डर का क्या मतलब है? पीआरएन एक लैटिन टर्म है जो कि स्टैंड फॉर प्रो री नाटा, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? एज द थिंग इज नीडेड, मतलब जब रिक्वायर हो, जब नीड हो तभी देनी है। ए पीआरएन ऑर्डर इज एज ए नीडेड ऑर्डर, ठीक है, नीडेड ऑर्डर है। परमिट द नर्स टू गिव मेडिकेशन व्हेन क्लाइंट रिक्वायर इट, ठीक है, जब पेशेंट को रिक्वायर हो, जब नीड हो तभी वो मेडिसिन देना, उसको पीआरएन ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एम्फोजेल 15 ml पीआरएन, ठीक है, एम्फोजेल 15 ml पीआरएन, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ लिए फाइव राइट्स, ठीक है, और उसके बाद में मेडिकेशन ऑर्डर्स, 10 राइट्स और मेडिकेशन ऑर्डर्स। ओके, थैंक यू।